आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि पत्नियाँ पतियों के साथ भूलकर भी ये छिछोरी हरकत ना करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आप जो इतना प्यार दे रहे हैं चैनल को, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आगे भी ऐसा प्यार और स्नेह आप बनाए रखेंगे। आपकी ये चीज़ें मुझे भी प्रेरित करती हैं कि मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपके जीवन में संशोधन हो सके, सुखमय सुधार हो सके और जीवन खुशहाली से व्यतीत हो सके। और जो मैं अपनी बहनों को और भाइयों को जो सलाह देती हूँ, वो अपनेपन की भावना से प्रेरित होकर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट आए। आपसे ज़्यादा अनुभवी हूँ जीवन में, क्योंकि बहुत से लोगों की कुंडलियाँ देख चुकी हूँ और लोगों की विकट से विकट स्थिति में उनको सुधार करवा चुकी हूँ। तो इसलिए आप भी परामर्श लीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बता रही हूँ कि पत्नियाँ पतियों के साथ ये हरकत ना करें। पत्नियाँ कहती हैं कि दीदी, पति हमारा कहना नहीं मानते, जब भी हम कुछ कहते हैं तो हमें फटकार देते हैं, धुतकार देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो हम क्या करें। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप ये हरकतें बंद कर दो तो सारी चीज़ें अपने आप सुलझती चली जाएंगी। पहली चीज़ तो अपने रिश्ते को एक प्रॉब्लम वाली बात मत समझो। पति पत्नी के हर रिश्ते में कुछ ना कुछ खटास मिठास चलती रहती है। ऐसा आप ही के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा सबके साथ होता है। इसलिए असुरक्षा का भाव मन में मत लाओ। ये तब होता है जब आप, अरे आपको अपने पति पर ट्रस्ट नहीं है क्या? आपसे अगर आपको उन पर ट्रस्ट ही नहीं है, 10 लोगों से आप उनके बारे में इंक्वायरी करते हो तो क्या फ़ायदा है उसका? कोई फ़ायदा नहीं है, हासिल कुछ नहीं होगा। तो पति पर, एक तो पति की पॉकेट की बार बार तलाशी लेना बंद करो, ये बहुत ही बैड एटीट्यूड है लाइफ का। उन पर ट्रस्ट करो, अगर कोई चीज़ देखनी है तो उनके सामने देखो, पीछे से मत करो। दूसरी चीज़ ये है, पति को बार बार फ़ोन करके ऑफिस की जानकारी घर बैठे मत लो। जब वो ऑफिस से आएंगे ना, तब आपको खुद ही बता देंगे सारी बातें। बार बार डिस्टर्ब मत करो। हो सकता है प्रेम में वशीभूत होकर वो आपसे बात भी करते रहें, लेकिन आप ये चीज़ मानना कि जब घर की चीज़ें डोमिनेट होने लगती हैं ऑफिस वर्क पर, तो ध्यान तो डाइवर्ट होता ही है और पर पुरुष इसी वजह से भी प्रगति नहीं कर पाते। तो उनको डिस्टर्ब मत करो, उनकी जीवन संगिनी बनकर उनका साथ दो। वो आप ही के हैं, कहीं नहीं गए। किसी प्रकार का असुरक्षा का भाव मन में मत रखो। और देखो, ये मत बोलो कि अरे पूरा दिन कैसे कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? आप घर में मन लगाना सीखो, घर में काम करना सीखो, उससे आपका मन लगेगा। कुछ ना कुछ उद्यम करना सीखो, 4 पैसे आप भी कमा सकते हो। इस महंगाई के दौर में पति पत्नी अगर दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, साथ काम करने से मतलब अलग अलग जगहों पर कुछ वर्क करते हैं, तो निश्चित रूप से घर तो आगे बढ़ता ही है, घर की तरक्की तो होती ही है। इसलिए आप उनको इस तरह से बिल्कुल तंग करना, तंग मतलब हो सकता है आपको लगे नहीं आपके अच्छे रिश्ते की वजह से, लेकिन ये गलत एटीट्यूड है और ये इसको आप मत करो। इसके अलावा पति जैसे ही ऑफिस से आते हैं तो पड़ोसन का किस्सा लेके उनको बोर मत करो, बिल्कुल बोर, क्योंकि आप एक उतावलापन है आपके अंदर उनको बताने का। बताओ, लेकिन आके 10 मिनट 5 मिनट उनको थोड़ा रेस्ट करने दो, चाय नाश्ता करा, उसके बाद जब वो रिलैक्स हो जाए तब कोई बात करो और पूछो भी, तब ऑफिस की बात भी तब पूछो। मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ऑफिस की औरतें बार बार फ़ोन करें तो क्या होता है क्या नहीं होता। देखो, बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक बात का, एक ही बात को पकड़ के अपने पे मत लो इस बात को। बहुत से भाइयों ने भी मुझे बोला कि दीदी, किसी की पत्नी कान की कच्ची हुई या ना समझ हुई तो वो क्या करे। तो ये बात सही है, तो मैं आज इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ आपको कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि ऑफिस से फ़ोन करने वाली औरत गलत ही हो, ऐसा नहीं होता है। औरत और आदमी जहाँ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, वहाँ औरतों को कई बार लेट नाइट में भी ज़रूरत पड़ जाती है आपके पति से बात करने की, पड़ सकती है ऑफिस की औरत को। तो हमेशा गलत मत समझो, ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, एक ही औरत बार 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 फ़ोन कर रही है, कारण फ़ोन कर रही है, तब वो शक के दायरे में आती है। 2-4-5 बार किसी ने फ़ोन कर लिया तो उसको इशू मत बनाओ, और उसकी भी जांच पड़ताल थोड़ा पहले सूक्ष्मता से करो, समझदारी से करो, पति से मिल बैठ के बात करो, घर के बड़े बुजुर्गों से बात करो, तब जाके किसी निर्णय पर पहुंचो। बात का बतंगड़ मत बनाओ कि अगर पति ने किसी की तारीफ़ कर दी। हालांकि मैंने पतियों पर जो वीडियो बनाई है, भाइयों पर जो वीडियो बनाई है, मैंने उनको कहा है उसमें कि पत्नी के जो दिल की बात है थोड़ा उनको भी समझनी चाहिए, और पत्नी को अगर बुरा लगता है दूसरी स्त्रियों की तारीफ़ सुनना, हर पत्नी को लगता है, तो आप मत करो ना। ये मैं समझा चुकी हूँ तो बहनों, लेकिन मैं आपको भी ये बोलती हूँ कि अगर तारीफ़ करे तो आप ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाओ, उसको हंसी में उड़ा दो, कुछ चुटकी ले लो, चुटकी जानते हो ना, कुछ आप भी कमेंट मार दो, तो हल्के फुल्के में लो। लाइट जब माहौल रखोगे ना घर का, तो बहुत अच्छा माहौल रहेगा। देखो, घर में सब कुछ आप ले आते हो, सजाने की चीज़ें ले आते हो, पर असली गहना तो आपका पति ही है। पति का ही अगर मन खराब रहा घर में, पति का ही उच्चाटन रहा, पति को ही आपकी बातें बुरी लगती है, तो घर के इंटीरियर से क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा घर के इंटीरियर से? महंगी चीज़ें सजा ली, गार्डन को डेवलप कर रहे हो, किचन में वो कर रहे हो,
कोई मतलब नहीं है। जब तक रिश्ते हेल्दी नहीं है ना किसी भी घर में, वो घर खुशहाली वाला घर नहीं कहा जा सकता। तो आपको समझदार बनना है, और बहुत समझदार हो आप, बहुत गुणवान हो आप। आपके गुणों की कोई कदर नहीं करता तो परवाह मत करो, आप खुद तो कर रहे हो ना, आपको तो पता है ना आप कितने गुणी हो। सास नहीं कर रही है, ननद नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो कि वो आपका मूल्यांकन करेंगे, आपको सत्यापित करेंगे, तभी आपको आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। आप खुद अपना अपने आप को सत्यापित करो कि जैसे आप हो, अच्छे हो, ईमानदार हो, बहुत बढ़िया हो, अपनी कदर करो। और दूसरों से कोई आपको ठप्पे की ज़रूरत नहीं है, ये विल पावर की सबसे बड़ी निशानी है, और ऐसे ही आपको बनना है। तो अपने पति को बहुत प्यार करो, उनकी बहुत केयर करो, और वो आपके ही हैं, कहीं नहीं जाने वाले, वो हमेशा आपके साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने वाले हैं। तो ज़रा इस रिश्ते की गरिमा को समझो, और इस तरह की हरकत मत करो जिसको कि बड़े बूढ़े छिछोरी हरकत बोलते हैं। आई होप आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी, और एक बड़ी बहन होने के नाते मेरी बात को आप स्वीकार करोगे। तो आपको मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ, सदा सुखी रहो।